है, तो तुम्हें जाने कितने एंगल है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हम केवल 5 एंगल्स याद रखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, बल्कि 6 एंगल्स। हम ये कहेंगे कि इसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, ये बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टर्म्स हैं जो आप लोग अभी, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग इसको करेंगे 10th क्लास में, ठीक है। मेरे काम की चीज इस चैप्टर में केवल कॉस थीटा है, ठीक है, क्योंकि जो हमने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया है, वो वर्क डन का फॉर्मूले में एक्चुअल में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एक्चुअल में वो फॉर्मूला वो नहीं है जो बताया है, वो कहीं से डिराइव हुआ है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे, ठीक। देखिए, हमने बोला कि ये जो कॉस थीटा है, ये इस तरह से लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 वैल्यूज है मेरे पास थीटा की, जो हमारा लेवल है हम 9th क्लास में है। और अगर हम 10th में भी आ जाते हैं तो 9th में और 10th में इन एंगल्स के अलावा और किसी एंगल की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा। तो अगर मैं कहूं कि थीटा अगर 0 डिग्री के बराबर है तो ये हो जाएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये वैल्यूज होती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, ये कॉस होता क्या है, ये कहाँ से आया, एंगल सिर्फ आपने 6 ही क्यों बताया, ये सारी चीजें अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतनी सी टेबल याद रखिएगा कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, और कॉस 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। हाँ, इतना लिखने के बाद में, इतना नोट करने के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब होता है एट एन एंगल, एट एन एंगल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए, अगर मान लो मैं इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसे हाथ लिया और मैं ऐसे सीधी फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये तो हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगर मान लीजिए हम एक एंगल पर फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ी टेढ़ी करके फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारी ऑब्लिक फोर्स है। ऑब्लिक फोर्स यानी कि जो कोई एक एंगल बनाती है, जो एक पर्टिकुलर एंगल पर लगने वाली फोर्स है, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फोर्स। अब वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये कोई टॉय कार है, और इस टॉय कार में यहाँ पर एक स्ट्रिंग हमने बांधी है इस तरीके से, और हम इसको ऐसे खींचते हैं, कोई
कोई बच्चा है, उसने इसको पकड़ा है ऐसे और वो इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक यानी कि एट एन एंगल, स्ट्रेट लाइन फोर्स तो नहीं है ना, कि मैंने उस पर धागा एक बांधा और बिल्कुल उसको सीधे 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 ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे तो नहीं। वो कार नीचे है फर्श पर, मैंने उस कार पर एक स्ट्रिंग बांधी, एक धागा बांधा और धागा बांधकर मैं उसको ऐसे ऐसे पकड़ के आ रहा हूँ, कार चल रही है और मेरे लिए फन हो गया। बचपन की बात है, ठीक है, बचपन में सब खेलते थे ऐसे, ठीक। तो ये वो चीज है कि एक बच्चा है वो इस टॉय कार को ऐसे स्ट्रिंग लगाकर ऐसे खींचता है। तो अब जो वो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स स्ट्रेट लाइन फोर्स नहीं है, वो फोर्स एक एंगल पर है फोर्स। वो एंगल किसके साथ बनता है? हमेशा एंगल बनता है अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना उसके साथ। तो ये अर्थ है, मतलब ये ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए और ये फोर्स उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनाएगा ये एंगल कहलाता है थीटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर ये होता है ना कि फादर की एज है, सन की एज है, डॉटर की एज है, तो पूछते हैं कि क्वेश्चंस पूछते हैं और कहते हैं इनकी एज बताओ, ठीक है। तो हम ये बोल देते हैं लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट द एज ऑफ सन बी वाई, ऐसे बोल देते हैं। तो जनरली जब भी कभी कोई अननोन वेरिएबल मेरे को कैलकुलेट करना होता है, कोई अननोन टर्म कैलकुलेट करनी होती है, तो मैं उसको एक्स और वाई मान लेता हूँ, ठीक है। जब कोई अननोन एंगल होता है तो एंगल को हम इसी तरह से थीटा मानते हैं, समझ गए, एंगल को हम थीटा मानते हैं, जनरल कन्वेंशन है। बाकी आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, पर थीटा जनरल कन्वेंशन है, जनरली सब लोग इसको ऐसे ही मानते हैं। अब वर्क डन बाई अ फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑब्लिकली, इसमें लिखेंगे एक्चुअल फॉर्मूला, ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये होता है एक्चुअल में फॉर्मूला। फिलहाल तो सिर्फ फॉर्मूला याद करिए, एफ क्या है फोर्स, एस क्या है डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और जो ये कॉस थीटा है ये मैं इस टेबल की हेल्प से निकाल लूंगा, ठीक है। मेरे को थीटा दे रखा होगा कि कोई बॉय है वो एक कार है, उस कार पर फोर्स लगा रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री या एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऐसे कुछ भी मेरे को एंगल दे रखा होगा और फिर उसकी हेल्प से मैं ये फॉर्मूला लगाकर निकाल लूंगा। तो अभी तक हमने करा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब बस कॉस थीटा और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये नई टर्म है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमारे पुराने वाले फॉर्मूले के साथ कंप्लाई कैसे करता है, मतलब पुराना वाला फॉर्मूला क्या गलत है? हम कहेंगे गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन आया कहाँ से? वो यहीं से आया, ठीक है। कैसे आया वो अभी बताएंगे, पहले एक क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन नोट करिएगा, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फुल स्टॉप। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड द स्ट्रिंग हेल्ड द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड्स हैंड
मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। फुल स्टॉप। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड If the force applied by the child if the force applied by the child be 5 Newton calculate the work done by the child calculate Calculate the work done by the child. Work done by the child in pulling the toy car. In pulling the toy car. तो अब आप ये समझिए कि जैसे ये ग्राउंड है, यहां पर एक ये टॉय कार है, बच्चा इस पर ऐसे फोर्स लगाता है और वो जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है थीटा, यानी कि 60 डिग्री। वो फोर्स कितना लगा रहा है? लेट द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन एंड ही पुल्स द टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो वो कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करवा देता है? 10 मीटर तक वो उसको खींचता है। ठीक है, तो मेरे पास एफ है, एस है और थीटा है, और कॉस थीटा की वैल्यू मैं इस टेबल की हेल्प से निकाल लूंगा। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस एफ एस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा एफ कितना है यहाँ पर 5 न्यूटन, एस कितना है यहाँ पर 10 मीटर, और कॉस 60 यानी कि कॉस 60 मतलब 1/2। 2 5 10 और 5 5 कितना हो गया? 25 जूल। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? अच्छा बताइए भाई, बाकी बच्चे बताएं, क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए, तो ये हुआ हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल कि जब फोर्स जो है वो स्ट्रेट ना लगकर वो ऑब्लिकली लग रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इस केस की, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Work done when the force acts at
राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिएगा, ये देखिए आप एग्जांपल, इसमें क्या है कि एक आदमी है, वो लगातार एक पुली लगी हुई है इधर और एक पुली लगी हुई है इधर, एक बॉक्स इधर रखा हुआ है, पुली समझते हैं ना, है ना, तो जिसके ऊपर से रस्सी इस तरीके से घूमती है। उसने क्या करा, उसने इधर से ताकत लगाकर धीरे 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 उसको रस्सी को खींचना शुरू करा। वो फोर्स तो लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, और ब्लॉक जो है बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, तो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो ब्लॉक का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो ये हो गया। मोशंस डायरेक्शन, तो ब्लॉक का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो ये हो गया, और जो उस पर लगने वाली फोर्स है वो कितनी है, फोर्स ऐसे लग रही है भाई, फोर्स का डायरेक्शन ये, तो फोर्स मैंने ऐसे बना दी, फोर्स का डायरेक्शन ये, मोशन का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये बेचारा आदमी तो थक जाएगा बहुत बुरी तरह, पसीने पसीने हो जाएगा, इसको थकान हो जाएगी, इतना भारी वजन खींच रहा है, ठीक है, लेकिन वर्क डन कितना हुआ, 0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे वर्क डन इन दिस केस इज 0, बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 90 डिग्री, ठीक है, वर्क डन 0 हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, फोर्स कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, कॉस 90 तो 0 होता है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 जूल, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखें,
इसी का, जहां पर वर्क डन जीरो होता है। इफ अ मैन कैरीज अ सूटकेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टली, कैरीज अ सूटकेस A man carries a suitcase strictly horizontally. comma, he does no work with respect to gravity. He does no work with respect to he does no work with respect to gravity because the force of gravity acts vertically downwards because the force of gravity acts vertically because the force of gravity acts vertically downwards and the angle between the displacement and the angle between the displacement and the angle between the displacement of the suitcase displacement of the suitcase and the direction of force becomes 90 degree. डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकम्स 90 डिग्री। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहां पर फिर वही है एक एग्जांपल कि जहां पर हमने ये कहा कि वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो क्यों होगा? क्योंकि वो जो आदमी है उसने ऐसे फोर्स लगा रखी है ऊपर की तरफ, ठीक है, और फोर्स जो है फोर्स तो लगा रहा है वो ऊपर की तरफ, उसको जो बॉक्स है जो सूटकेस है उसको अपने सर पर कैरी करने के लिए फोर्स तो लगा रहा है वो ऊपर की तरफ, और जो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टली। मतलब हाँ, अगर वो सूटकेस को उठाकर स्टेयर्स पर चढ़ता है, मतलब वर्टिकली ऊपर पहुंच जाता है, तब हम कहेंगे कि हाँ तब उसने वर्क करा, क्योंकि फोर्स भी वो ऊपर की तरफ लगा रहा है और वो चल भी ऊपर की तरफ रहा है, ठीक है, तो तब तो वर्क डन होगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल सीधा 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 चल रहा है तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो वर्टिकल है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में तो एंगल 90 डिग्री ही बनता है, और 90 डिग्री बना तो कॉस 90 डिग्री होगा, एफ एस कॉस 90, तो वो उसको जीरो बना देगा वर्क डन को। एंड हेंस वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन इस केस में हो जाएगा जीरो। हाँ जी बताइए। सर फर्स्ट वाला एग्जांपल समझ नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ। यहां पर आप ये देखिए कि ये रस्सी है, यहां से लेकर और यहां तक ये रस्सी टेंस्ड है, मतलब टाइट है एकदम। क्यों? क्योंकि इसको ये आदमी पकड़कर खींच रहा है और ये रस्सी एकदम लूज पड़ी हुई है, तो उसने उसको रस्सी को खींचना शुरू करा,
तो वो जो फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है ऐसे, तो ये मैंने फोर्स को दिखा दिया, ये डायरेक्शन है फोर्स की, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो मोशन की डायरेक्शन ये और फोर्स की डायरेक्शन ये, तो जब फोर्स में और मोशन की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो ये तो 0 है ना, तो 0 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरे वर्क डन को 0 बना देगा, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब अगला देखते हैं, ये तो हो गया हमारा 0 वर्क डन का एग्जांपल, यहां पर लिख लीजिए यहां हमने बात करी थी 0 वर्क की, ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेगेटिव वर्क की। हेडिंग डालिएगा वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पर देखिएगा अब देखिएगा इस केस में क्या है कि फोर्स तो लगा रहा है वो आदमी नीचे की तरफ और ब्लॉक उठ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कैसे होगा? उसने फोर्स लगाया यहां पर ऐसे, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे हो गया हमारा फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ये हो गया, ठीक है, और जो मोशन है मोशन हो रहा है ऊपर की तरफ, तो मोशन का डायरेक्शन ये हो गया, मोशन डायरेक्शन, इन दोनों को ना ऐसे कनेक्ट करके ही बनाते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा कि इधर तो फोर्स यहां पर है इधर मोशन यहां पर है, तो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एक सिंगल नोड पर, समझ गए, एक सिंगल पॉइंट पर इनको कनेक्ट कर देते हैं, फोर्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन ऐसे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही फोर्स अप्लाइड, आपको लग रहा होगा कि फोर्स अप्लाइड तो यहां पर है मोशन यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड वाला एरो ये और डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला एरो दोनों को एक सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, तो हमने सिंगल पॉइंट पर यहां पर कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि ये मोशन की डायरेक्शन है और मोशन की डायरेक्शन और फोर्स अप्लाइड में पूरा का पूरा एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो इस केस में जो हमारा वर्क डन है वो क्या होगा, माइनस एफ एस,
वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो एफ एस इंटू -1 मतलब क्या हो गया? -FS। ठीक है, तो ये वो वाला केस है जब हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन जीरो भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो हम यहां कहेंगे इन दिस केस इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव। चलिए उसके बाद अब हम वापस उसी फॉर्मूले पर आ जाते हैं जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? जैसे अभी जीरो वर्क का एग्जाम्पल देखा था, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल। उसके बाद वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब आप ये देखिएगा कि हमने ये करा इसमें सिंपल एक ब्लॉक है, और ये ऐसे इसको इसी डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, तो आप ये देखें कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और मोशन भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है भाई, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल तो बन ही नहीं रहा है। जब एंगल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब एंगल कितना? जीरो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इन दिस केस एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड या एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखें। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन है 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वन वर्क डन 1 नहीं बेटा, एफ एस हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन रहेगा एफ एस। तो आप ये देखेंगे बिल्कुल शुरुआत में जो हमने डेफिनेशन करी थी उस डेफिनेशन में था ही ये कि भाई अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स अप्लाइड दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू एस। तो सवाल ये होता है, उठता है कि भाई शुरुआत में क्यों नहीं बता दिया? तो शुरुआत में हम फोर्स की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन और साथ में एंगल समझते तो वहां पर कंफ्यूजिंग हो जाता।
शुरुआत में पहले मेरे को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्क डन होता क्या है। वर्क तभी होता है जब कोई भी फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर देती है। मैं कहता हूँ वर्क तभी हुआ, अगर मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो मैं कहूँगा वर्क ही नहीं हुआ। अगर मान लो हमने इसका एक शुरुआत में एग्जाम्पल लिया था कि एक बड़ा ना बहुत बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, मैं उस पर ताकत लगाया जा रहा हूँ लगाया जा रहा हूँ, हालत खराब हो गई लेकिन ट्रक हिला नहीं अपनी जगह से। मैं फोर्स तो पूरी लगा रहा हूँ उसमें, ठीक है, लेकिन ट्रक हिल नहीं रहा है, ट्रक चला नहीं जरा सा भी। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने फोर्स भले ही कितनी लगा दी हो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो वर्क डन होता है। तो फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क आपने कुछ करा ही नहीं है। ट्रक ये पहले भी यही खड़ा था, अभी भी यही खड़ा है, वह तुम लगाए जाओ इसमें कितनी भी ताकत, वर्क आपने कुछ नहीं करा। अब अगला जो चीज आई वो आई एंगल वाली। तो एंगल में हमको बस ये चीज याद रखनी है, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, और कॉस 180 -1। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है। और अगर आपका वाइवा जब होता है, वाइवा जहां तक क्या होता है, 9th क्लास से वाइवा स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपका वाइवा होता है और उसमें वर्क से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, भाई पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क, नेगेटिव वर्क का कब कब होता है, तो आप ये प्रॉपर फॉर्मूला बताइएगा कि एफ एस कॉस थीटा एक्चुअल में फॉर्मूला होता है वर्क डन का, सिर्फ एफ इन टू एस नहीं, एफ एस कॉस थीटा, एंड इट डिपेंड्स ऑन थीटा कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या नेगेटिव होगा। समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नोट करिएगा, अ पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइंब्स अ टॉवर ऑफ हाइट 72 मीटर्स। अ पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइंब्स अ टॉवर ऑफ हाइट 72 मीटर्स फुल स्टॉप, कैलकुलेट द वर्क डन। ब्रैकेट में मेंशन है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रैकेट में है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिएगा, अ पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम, एक पर्सन है उसका मास है 50 किलोग्राम, ही क्लाइम्स अ टॉवर ऑफ हाइट 72 मीटर। तो एच कितना हो गया, 72 मीटर। तो यहां पर क्या होगा, वो वर्क डन पूछ रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, कल करवाया था, नहीं, रिटार्डेशन नहीं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन पूछ रहा हूँ ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्टिकली मोशन में वर्क डन क्या होता है,
नेगेटिव वगैरह नहीं है, पॉजिटिव ही है। जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कितनी लगाएंगे उसके वेट के बराबर। वेट क्या होगा, एम जी, एम जी तो हो गया फोर्स, और एम जी इंटू एच बस, और एम जी एच ये दे रखा है बस, सीधा सीधा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। एम जी यहां पर क्या होता है, वेट। जितना उसका वेट है, वेट इज अ फोर्स, जितना उसका वेट है उतना ही तो वो क्या करेगा, उतना ही तो उसको फोर्स लगानी पड़ेगी उठाने के लिए। इसकी ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम होती है, तो किलोग्राम में ही रहने दीजिए। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने दीजिए, और ये मीटर होता है तो मीटर ही रहने दीजिए। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। 5 8 40, 5 9 45, और 4 49। हाँ 490, 490 इंटू 72 2 0 0, 2 9 18, 1 कैरी आ गया, और 2 4 8 और 1 9, 7 0 0, 7 9 63, 6 कैरी आ गया, 7 4 0 क्या, अच्छा डरा दिया मुझे। 7 0 0, 7 9 63, 6 कैरी, 7 4 28 और 6 34, 0 8 9 + 3 12, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5, और 3 5 2 8 0, 3 5 2 8 0 जूल। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है कि नहीं, सिमर, टिया, विहान, यस सर। ठीक है, चलिए। एक और क्वेश्चन नोट करें, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन A force of 50 newton acts on a body and moves it a distance of 4 meter on a horizontal surface. On a horizontal surface. Full stop. Calculate the work done if the direction of force Calculate the work done if the direction of force is at an angle of 60 degree is at an angle of 60 degree to the horizontal surface. A force of 50 newton, तो F कितना दे रखा है, 50 newton, acts on a body and moves it a distance of 4 meter. तो distance कितना वो move करता है, 4 meter.
कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. थीटा दे रखा है 60 डिग्री, वर्क डन कितना हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा. तो 50 इंटू 4 इंटू कॉस 60, 50 इंटू 4 इंटू 1/2, 2 2 4 52 100, 100 जूल. ठीक है. चलिए जी फिर आज इतना ही कर लीजिए. ठीक है. और आपका जो वर्क वाला पोर्शन है, ये वर्क वाला पोर्शन तो फिनिश हो गया. एनर्जी और पावर जब आपके सिलेबस में आएगा तब करवा देंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. और नेक्स्ट आपको साइंस में व्हाई डू वी फॉल इन, है ना, व्हाई डू वी फॉल इन करवाएंगे. सरफेस एरिया और क्वाड्रिलेटरल. और टेस्ट कब है आपका? सिक्स तो है. चलिए, दोनों ही चैप्टर काफी बड़े हैं. चलो देखते हैं कैसे करवाना है. ठीक है, चलिए जी, गुड इवनिंग. ओके, थैंक यू सर. ओके.